दोस्तों चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे जो मुकदमे होते हैं या फिर हम कहें जो FIR लॉज होती हैं, ये अक्सर लॉज होती हैं और देखा जाता है कि लोगों के साथ में लोग चीटिंग कर देते हैं, साथ में ही फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपको ठगा गया फर्जी कुछ दस्तावेज दिखाकर जो कि उस इंसान ने खुद ही बनाए थे, और उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर आपके साथ ठगी कर ली गई, आपका पैसा ठग लिया गया, या फिर फर्जी आधार कार्ड लगाकर, फर्जी वोटर आईडी कार्ड लगाकर या कोई भी फर्जी आईडी लगाकर अकाउंट फर्जी खोला गया और फिर उसमें चीटेड अमाउंट को लिया गया। किसी भी तरह से जब आप डॉक्यूमेंट्स में कोई छेड़छाड़ करते हो और फिर उन डॉक्यूमेंट्स का आप जेन्युइन की तरह इस्तेमाल करते हो, डॉक्यूमेंट हालांकि फॉर्ज है, फर्जी है, उन डॉक्यूमेंट्स का जेन्युइन की तरह आप इस्तेमाल करते हो और साथ ही साथ किसी के साथ ठगी आप कर देते हो, तो ऐसे मामलों को चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे केसेस में गिना जाता है। अब इनमें अगर सजा का प्रावधान करें, जो पहले अलग अलग सजाएं थी जिस पर हमने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई है अपने इसी चैनल पर, बहुत सारी वीडियोस देखने को आपको मिल जाएगी, बट अब नया कानून आने की वजह से वो सारे सेक्शंस बदल गए हैं। कौन से नए सेक्शंस आए हैं चीटिंग में, किन नए सेक्शंस के तहत FIR लॉज होगी, और साथ ही साथ फॉर्जरी अगर हुई है तो कौन से सेक्शंस लगेंगे FIR के अंदर, और साथ ही जब हम षड्यंत्र रचते हैं तो उसके अंदर कौन से सेक्शन में FIR लॉज होगी, इन सब पर आज बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि चीटिंग एंड फॉर्जरी में कितनी सजा का प्रावधान है और क्या कहते हैं वो सेक्शंस। दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों पहले हमने बहुत सारी अब तक क्रिमिनल पर वीडियो बनाई है, क्रिमिनल प्रैक्टिस किस तरह से होती है, कैसे आप कोर्ट में केस लड़ेंगे, किस तरह से क्रिमिनल केसेस को आप देखेंगे। पहले जितनी भी FIR लॉन्च की जाती थी वो सभी जो IPC के तहत जितने भी मतलब मामले आते थे वो इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत ये सब FIR लॉन्च होती थी। जितने भी IPC के तहत जितनी भी धाराएं आती हैं, टोटल पहले 511 सेक्शंस हुआ करते थे टोटल IPC में। जहां एक और पहले IPC में टोटल थे 511 सेक्शंस, अब वही BNS में टोटल सेक्शंस है 358। BNS भारतीय न्याय संहिता 2023। अब इसमें जो सेक्शंस बदले गए चीटिंग एंड फॉर्जरी के, तो सेक्शंस को बदल दिया गया, ऊपर नीचे कर दिया गया। अगर कोई भी इंसान अब अगर चीटिंग करता है तो चीटिंग करने में जो पहले IPC में 420 में सजा दी जाती थी, अब यहां पर 318 सबसेक्शन 4 में सजा दी जाएगी। हम बात करें 467 की, फॉर्जरी करना, डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना, डॉक्यूमेंट में नाम बदलना, डिटेल बदलना, डेट ऑफ बर्थ बदलना, किसी भी तरह से अगर डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ आप करोगे तो यहाँ 338 के तहत अब BNS में सजा दी जाएगी, जो कि पहले 467 हुआ करता था IPC। वहीं जब 468 की बात करें, 468 ये बोलता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें छेड़छाड़ करना, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोई भी छेड़छाड़ अगर आप करोगे तो ऐसे मामलों में पहले 468 के तहत सजा मिलती थी, अब वही सजा मिलेगी यहाँ BNS में 336 सबसेक्शन 3 में। अगर हम बात करें 471 IPC इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन है 471, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन की तरह इस्तेमाल करना, तो इसमें अब जो आपको सजा दी जाएगी BNS में वो होगा 340 सेक्शन, जिसका सब सेक्शन 2। 120 भी बनता है षड्यंत्र करना, प्लानिंग के तहत किसी को ठगना, प्लानिंग के तहत डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करना, जो पहले IPC में सजा दी गई थी 120B में, अब यहाँ पर सजा दी गई है 61 सब सेक्शन 2 में। तो ये तो थे कुछ सेक्शन जो मैंने आपको बताए BNS के और IPC के। चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे मामलों में अगर देखा जाए दोस्तों, इसमें 467 जो IPC है, 467 जो IPC पहले मतलब 1 जुलाई से पहले तक, ऐसे मामलों में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान दिया गया था हमारे IPC में। अब वहीं दूसरी ओर जब आप पढ़ते हो भारतीय न्याय संहिता 2023 में, जो सेक्शन 338 बोलता है, फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर विल हो या फिर और भी कुछ चीज जो वैल्यूएबल चीजें होती हैं, उनमें अगर आप छेड़छाड़ करोगे, आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर लो, वोटर आईडी में छेड़छाड़ कर लो, पासपोर्ट में छेड़छाड़ कर लो, मार्कशीट में छेड़छाड़ कर लो या कोई भी डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करोगे, तो यहां पर भी अब जो सजा अभी भी जो प्रावधान है वो उम्र कैद तक का है, उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। अगर 420 की बात करें, 420 IPC जो पहले बोलता था और अब भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बोलता है, उसमें अगर 318 सबसेक्शन 4 को पढ़ोगे तो यहाँ पर चीटिंग की सजा भी
7 साल तक की पहले भी थी, 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शंस बदले हैं दोस्तों, अभी भी सजा कई चीजों में सेम है, कई चीजों में बढ़ा दी गई है, कुछ में कम की गई है। ये सब बदलाव है जो करते करते समय के साथ साथ आप सीखते चले जाओगे। आप में से कोई भी नए वकील साहब, कोई भी लॉ स्टूडेंट, कोई भी जिनके ऊपर ये केस मुकदमा दर्ज हुआ है चीटिंग और फोर्जरी का, अब आपको जान लेना चाहिए कि 1 जुलाई के बाद जितनी भी FIR इन चीजों में दर्ज होंगी वो सभी नए सेक्शन के तहत ही दर्ज होंगी। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया चीटिंग और फोर्जरी के कुछ सेक्शंस के बारे में, कुछ सजा के बारे में भी आपको बताया, BNS के अब क्या क्या सेक्शंस बदले हैं, सजा कितनी है वो आपको बताया, बेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों चीटिंग एंड फोर्जरी जैसे मामलों में जब आप बेल के लिए जाते हैं, चीटिंग जो हुई है, जितने भी अमाउंट की चीटिंग हुई है, उस पैसे को ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि बेल नहीं मिलती, उस पैसे को आपको वापस करना पड़ता है अगर सारे ही एविडेंसेस आपके अगेंस्ट है और सब कुछ आपके अगेंस्ट अगर जा रहा है। अगर एविडेंस आपके अगेंस्ट नहीं है तो हो सकता है बिना पैसा दिए भी आपके एक बार के लिए बेल हो जाए। और ऐसे मामले जहां पैसे की ठगी नहीं हुई है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का ही लेन देन हुआ है, जैसे फर्जी मार्कशीट का मामला होता है, ऐसे मामलों में चार्जशीट लगते ही बेल हो जाती है। और दोस्तों एक बार और बता दूं कि किसी भी इंसान को बेल लगाने के लिए एंटीसिपेटरी बेल लगानी है या रेगुलर बेल लगानी है, ऐसे में आप चार्जशीट लगने का ही वेट करें, जरूरी नहीं बिना चार्जशीट लगे भी आप बेल लगा सकते हो, आपकी बेल हो सकती है। और इन सभी चीजों में चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे मामलों में पहले आपको एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि सब मामले अलग तरह के होते हैं, सारे मामले एक जैसे नहीं होते, सबकी ग्रेविटी अलग है, सभी केसेस का जो सीरियसनेस है केस का वो सब अलग अलग होता है। तो बेहतर है सलाह जरूर ले लें हमसे, कोई भी किसी भी तरह की अगर ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हो सकता है हमारे किसी एडवाइस से, हमारी किसी सलाह से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।